दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि हमारे ये जो शब्द होते हैं ये कितने प्रभावी और कितने प्रबल होते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, मेंढकों का एक समूह जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते अचानक उनमें से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे की गहराई को देख ऊपर खड़े मेंढक नीचे गिरे हुए मेंढकों से कहते हैं कि यहाँ से निकल नहीं पाओगे, ये जान लो, मृत्यु तय है तुम्हारी, इस बात को मान लो। पर उनकी बातों को अनसुना कर दोनों मेंढक बाहर निकलने के प्रयास में जुट जाते हैं। उनको निरंतर प्रयास करता देख ऊपर खड़े मेंढक फिर कहते हैं, गड्ढा है गहरा और तुम्हारी छलांग है छोटी, यहाँ से बाहर कहाँ निकल पाओगे? जो थोड़ी जिंदगी बची है जी लो सुकून से, आखिर में इसी गड्ढे में मर जाओगे। उनके लगातार हतोत्साहित करने से एक मेंढक की आखिरकार हिम्मत टूट जाती है और वह प्रयास करना छोड़ देता है और उसी गड्ढे में मर जाता है। पर इसके विपरीत जो दूसरा मेंढक होता है वह अपना प्रयास जारी रखता है। ऊपर खड़े मेंढक उसे फिर मना करते हैं और कहते हैं, यहाँ से बाहर अब तुम नहीं आ पाओगे, हमारा कहा क्यों नहीं सुनते हो? जो बचे हैं क्षण तुम्हारे उसमें शांति से मरना क्यों नहीं चुनते हो? पर दूसरा मेंढक बाहर आने के लिए अपने एड़ी और चोटी का प्रयास करता रहता है। वो अपनी पूरी जान पूरी क्षमता से छलांग लगाता रहता है और आखिरकार वो एक ऐसी छलांग लगाता है कि वह गड्ढे से बाहर आ जाता है। ऊपर खड़े मेंढक अचंभित उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? तब वह मेंढक उन्हें बताता है कि वह तो जन्म से ही बहरा है और इस पूरे समय वह यही समझ रहा था कि ऊपर खड़े मेंढक उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, और ये उनका प्रोत्साहन ही था जिसकी वजह से वह एक असंभव छलांग लगा के बाहर निकलना संभव कर पाया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम दो चीज़ें सीखते हैं। पहली तो ये कि जो शब्दों का चयन है अगर वो सही तरीके से किया जाए तो वो किसी की ज़िंदगी सवार सकता है, और अगर शब्दों का चयन गलत तरीके से किया जाए तो वो किसी की ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। दूसरा कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों को नहीं रख सकते, या मैं ऐसे कहूँ सिर्फ उन लोगों को नहीं रख सकते जो आपको प्रोत्साहित करें। आपको जीना उन लोगों के साथ भी है जो अक्सर आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, जो आपकी बुराई करेंगे, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में हमें उस दूसरे मेंढक की तरह कान बंद करने आने चाहिए, जिससे कि दूसरों की जो गलत बातें हैं वो हमें प्रभावित ना कर सकें, और अगर प्रभावित करें तो इस तरह से करें कि वो हमें आगे लेकर के जाएं, ना कि पीछे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों।